हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू और बैंगन की मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ की प्याज, आलू, बैंगन, मटर, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और 4 टमाटर। सबसे पहले हम बैंगन को पानी में भिगाकर रख देंगे ताकि उनका कलर चेंज ना हो। अब मैं एक कढ़ाई में तेल लूँगी। तेल के गर्म होते ही मैं उसमें मेथी और जीरे छोड़ दूँगी। जीरे और मेथी के अच्छे से तड़कते ही मैं उसमें लहसुन ऐड करूँगी। लहसुन को हमको गोल्डन ब्राउन रंग तक तलना है। उसके बाद मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मैं उसमें एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमें हल्का सुनहरे रंग तक भुनना है। प्याज को चलाइए। अब हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब मैं उसमें मटर ऐड कर रही हूँ। मटर को हमें सिर्फ 1 मिनट चलाना है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हमारे बैंगन। बैंगन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप ज़्यादा छोटे टुकड़ों में ना काटें, थोड़े मोटे रखें। अब मैं इसे चला रही हूँ। अब मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख दूँगी। 5 मिनट बाद हमारे बैंगन जब अच्छे से तल जाएं, तब मैं उसमें ऐड करूँगी हमारे आलू। सब्ज़ी बनाते समय आप यह ध्यान रखें कि हमारे बैंगन अच्छे से तलें। तलने से हमारी सब्ज़ी का टेस्ट इन्हेंस होता है। इसमें बहुत बढ़िया स्वाद आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अब हमारे बैंगन अच्छे से तल चुके हैं। अब मैं उसमें आलू ऐड कर रही हूँ। आलू को मैंने पानी में भिगा के रखा था ताकि उनका कलर चेंज ना होए। अब मैं आलू बैंगन को मिक्स करूँगी। मैं आलू बैंगन को भी अच्छे से तलने दूँगी। अब मैं आलू और बैंगन को ढककर पकाऊंगी। मैंने यहाँ 5 मिनट के लिए इन्हें ढककर रखा है। 5 मिनट बाद जब ये अच्छे से तल जाएं, तब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। देखिए, हमारे आलू और बैंगन अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। मैंने यहाँ 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इन्हें मिक्स करिए। हमें मसाले को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर तलना है। आप मसालों को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा मिर्च ऐड करें। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को हमें अच्छे से पकने देना है, तभी हमारी सब्ज़ी में बढ़िया कलर आएगा। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट हमारे टमाटर को अच्छे से पका देगा। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नमक यूज़ किया है। अब मैं नमक को अच्छे से सब्ज़ी में मिला रही हूँ। अब हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ 2.5 गिलास पानी यूज़ किया है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली पसंद हो तो आप 3 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। दस मिनट बाद हमारे आलू और बैंगन अच्छे से पक चुके हैं और हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। देखिए, हमारे बैंगन अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसे कोरिएंडर से गार्निश करूँगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इसे मिक्स करेंगे। लीजिए, बैंगन की सब्ज़ी रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।